स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ट अबाउट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन उसकी मैंने कंस्ट्रक्शन की हद तक आप लोगों से बातें कर ली थी आज आपके साथ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर को बाकायदा तौर पर डिस्कस करूंगा उससे पहले मैं आपको पिछले लेक्चर से मुतल चंद बातें रिकॉर्ड करवा दूँ क्या हमने देखा था कि ऑडिटर जब उस एंटिटी के इन्वायरमेंट से मुतल उसके इंटरनल कंट्रोल से मुतल अंडरस्टैंडिंग्स हासिल कर लेता है और उनको रिकॉर्ड कर लेता है तो अब वो एक प्रिलिमिनरी इवेल्यूशन करता है उस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के जरिए से एंड इफ दैट ऑडिटर सेटिसफाइज हिमसेल्फ कि जी ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है ठीक वर्क कर रहा है तो सिस्टम्स ऑडिट अप्रोच के मुताबिक ऑडिट एविडेंस हासिल करता है और अगर ऑडिटर उस लेवल पर सेटिस्फाई नहीं होता तो वह एक्सटेंसिव सबस्टेंटिव टेस्ट के जरिए से वेरिफिकेशन करता है और तब जाके ऑडिट एविडेंस हासिल करता है मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यह भी बताया था कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर के फीचर्स क्या हैं देखिएगा उसमें है कि इट इज यूज इन लार्ज कंपनी ऑडिट इट इज यूज टू प्लेस रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल इट इज यूज टू डिजाइन ऑडिट अप्रोच और फिर इसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि एन इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर इज अ फॉर्मल एंड यूजली स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट विच कॉम्प्राइज लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन एक्सिस्टेंस एंड हाईलाइट एनी वीकनेसेस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के ऑब्जेक्टिव से मुलक हमने लास्ट लेक्चर में यह सीखा था कि इसके जरिए से ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल ऑफ दैट एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है और फिर इवेल्युएट करता है उस इंटरनल कंट्रोल को और फिर डिटर्मिन करता है कि वीकनेसेस या स्ट्रेंथ्स क्या हैं ताकि उन पर बेस करके वो ऑडिटर अपनी ऑडिट अप्रोच को डिटर्मिन कर सके और फिर हमने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है उसके बारे में हमने सीखा था कि इसमें लिस्ट ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बताए जाते हैं फिर बताया जाता है कि बिजनेस कंसिड्रेशन स्पेसिफिक टू द एंटिटी क्या है और फिर यह भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो क्वेश्चंस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में मौजूद होंगे वो इस तरह से डिजाइन किए जाएं कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो सके जिनमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं डॉक्यूमेंट्स की ऑथोराइजेशन है फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट है उनकी प्रोपर रिकॉर्डिंग है एक्सेस टू द फिजिकल एक्सेस टू द एसेट्स हैं अब ये तमाम उसके इंटरनल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो सकें और फिर एक और बात हमने देखी थी कि क्वेश्चंस शुड बी फ्रेम्ड सच दैट अ येस और नो आंसर इज गिवन जिसमें के अगर नो no आंसर आता है तो दैट मींस कि वहां पर कोई वीकनेस मौजूद है सो so, अब इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन की साख को हम देखते हैं कि किस तरह का नज़र आएगा ताकि हम प्रैक्टिकली ये बात जान सकें कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के ज़रिए से ऑडिटर जो मकसद हासिल करना चाहता है वो किस तरह से हासिल करता है तो देखिएगा कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर की लुक कुछ यूँ होगी कि हम उसमें वाजे करेंगे प्रिपेयर्ड बाय किसने बनाया डेट कब बनाया गया क्लाइंट का नाम टाइम पीरियड किसने रिव्यू किया इसको और रिव्यू करने की डेट क्या थी और फिर टाइटल ऑफ द इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन बताना बहुत जरूरी है लाइक like, हम ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर परचेजिंग के बारे में कर रहे हैं सेल्स के बारे में कर रहे हैं कैश हैंडलिंग के हवाले से कर रहे हैं इन्वेंट्री के हवाले से कर रहे हैं ये बातें हमें टाइटल के अंदर बताना जरूरी है लाइक like, अब इस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनअर का टाइटल है परचेजिंग साइकिल और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव बताने होंगे फिर बिजनेस कॉन्सिडरेशन की तरफ हम आएंगे और फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा तमाम क्वेश्चन उसके अंदर आ जाएंगे देखिएगा कि यहां पर परचेजिंग साइकिल में हमने जो इंटरनल कंट्रोल बनाया कंट्रोल ऑब्जेक्टिव उसके ये हैं कि यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट परचेज गुड्स और सर्विसेस ऑर्डर्ड अंडर प्रॉपर ऑथोराइजेशन एंड प्रोसीजर बगैर ऑथराइजेशन के कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाता यह हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो परचेजिंग हम कर रहे हैं वो बाकायदा तौर पर ऑथोराइजेशन से जब ऑर्डर गुजरता है तो उसके ऊपर बेस कर रही है नेक्स्ट के परचेज गुड्स और सर्विसेज आर ओनली ऑर्डर्ड एज नेसेसरी फॉर द प्रोपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन एंड आर ऑर्डर्ड टू सुटेबल सुप्लायर ये भी एक ऑब्जेक्टिव है परचेजिंग के रेफरेंस में कि हम जिसे ऑर्डर कर रहे हैं वो सुटेबल सप्लायर है और ऑर्डर उस वक्त करते हैं जब जरूरत होती है फिर गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड आर इफेक्टिवली इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी क्वांटिटी एंड कंडीशन और इसी तरह से इनवाइसिस एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन आर प्रॉपरली चेकड एंड अप्रूव एज बींग वैलिड बिफोर Being entered as trade payables. हम खाम ट्रेड पेएबल्स को रेकग्नाइज नहीं कर लेते क्रेडिटर्स को रिकग्नाइज नहीं कर लेते बल्कि उससे पहले इन्वाइसिस प्रॉपरली अप्रूव होती हैं और फिर उसके बाद हम उनकी रेकग्निशन की तरफ जाते हैं यानी कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है ट्रांजेक्शन जो है वो तमाम उन डॉक्यूमेंट्स पर बेस कर रही है जो कि जरूरी है और फिर उनकी फाइनल अप्रूवल के बाद रिकॉर्डिंग के लिए इन को भेजा जाता है और जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो फिर हम परचेजेस को भी डेबिट करते हैं और ट्रेड पेएबल्स को भी क्रेडिट करते हैं अब ये परचेजेस का डेबिट होना और ट्रेड पेएबल्स का क्रेडिट होना ये बेस करता हो प्रॉपर अप्रूवल पर ऑथोराइजेशन पर ये एक ऑब्जेक्टिव है अब नेक्स्ट बात आती है बिजनेस कंसिडरेशन की यानी कि किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है या बुनियादी तौर पर कौन कौन सी बातें मौजूद होना जरूरी हैं किसी भी एक सिस्टम को इवेल्यूट करने के लिए इसमें सबसे पहली बात यह है कि नेचर ऑफ द कंपनीज परचेजेस मालूम होना चाहिए अब हम इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन डेवलप करने जा रहे हैं किस से मुतलक परचेजिंग साइकिल से कि हमने परचेजिंग जो करनी है उसमें कौन कौन सी बातें पूरी होना जरूरी हैं ऑब्जेक्टिव बता दिए अब उसके बाद बिजनेस कंसिड्रेशन में ऑडिटर को कुछ मजीद बातें अपने जहन में रखना ज़रूरी हैं अब लाइक like, परचेजिंग तो कई किस्म की हो सकती है रॉ मटेरियल की परचेजिंग हो सकती है सप्लाइज ऑफिस से मुतलक जो हैं फैक्ट्री से मुतलक हैं शिपिंग सप्लाइज हैं पैकिंग सप्लाइज जो होती हैं पैकिंग मटेरियल जो होता है उनसे मुतलक परचेजिंग हो सकती है परचेजिंग ऑफ सर्विसेज हो सकती है लाइक like, इलेक्ट्रिसिटी है इसको आप परचेज करते हैं और बेशुमार ऐसी सर्विसेज हैं जिनको परचेज किया जाता है और बाकायदा उनके बिल्स अदा किए जाते हैं सप्लायर्स को तो ये डिफरेंट किस्म की परचेज होती हैं जिसके बारे में ऑडिटर को मालूम होना चाहिए फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ परचेजिंग डिपार्टमेंट कि जो ऑर्डर प्लेस किया जाता है वो सेंट्रलाइज है एक ही डिपार्टमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑर्डर प्लेस करने के लिए स्टोर डिपार्टमेंट उठ के ऑर्डर परचेज करने का जो है ऑर्डर प्लेस कर रहा है या ऑफिस स्टाफ को अगर स्टेशनरी रिक्वायर्ड है तो वो खुद से उठ के ऑफिस सप्लाईज के लिए ऑर्डर प्लेस कर रही है या शिपमेंट के लिए जो डिपार्टमेंट है उसको पैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड है तो खुद से ऑर्डर परचेज करने का जो है वो प्लेस कर रहा है ऐसा नहीं होता बल्कि ऑर्डरिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड होगी एक परचेज डिपार्टमेंट शुड एग्जिस्ट फिर द कंपनीज परचेजिंग पॉलिसी के परचेजिंग कब करनी है लेवल्स का डिटर्मिन करना मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक्स रीऑर्डर क्वान्टिटी फिर बल्क में परचेज करना है या नहीं करना क्योंकि बल्क में जब परचेज करेंगे तो एक डिस्काउंट मिलेगा लेकिन बाहर साथ ही साथ स्टोरेज कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगी तो यहां पर परचेजिंग पॉलिसी भी जो है उसकी कंस्टिट्रेशन में होना जरूरी है फिर सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स अब सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स के रेफरेंस में ऑडिटर को मालूम होना चाहिए कि इनके कितने एक ही किस्म की प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए सप्लायर्स मौजूद हैं वो सप्लायर्स का रजिस्टर मौजूद होगा अब हर तरह के सप्लायर्स के बारे में एक ब्रीफ उनकी हिस्ट्री बताई गई होगी वो किस तरह से नेगोशिएट करते हैं उनसे किस लेवल पर जाके डिस्काउंट्स जो हैं वो मांगे जाते हैं वगैरह वगैरह कितना टाइम लेते हैं सप्लाइज पहुंचाने में सो so, इस किस्म की चीजें वो सप्लायर्स रजिस्टर के अंदर मौजूद होंगी सो so, ये बिजनेस कॉन्स्टिड्रेशन चांद देखें जिसके बारे में ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर के अंदर ही कुछ बातें लिख दिया करता है अब इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में क्वेश्चन किस नोयत के होंगे जिसके बारे में हमने बात की थी कि यस yes या नो no में उसका आंसर होना चाहिए अब देखिए मैं इस वक्त आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर इज प्रिपेयर बाय द ऑडिटर व्हाई टू इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अब क्या जरूरत पड़ गई जी इवेलुएशन की ताकि इस पर बेस करके इस इवेल्युएशन पर बेस करके अब उस इंटरनल कंट्रोल को वो कर रहा है ना इवेल्युएट अब अगर तो वो इंटरनल कंट्रोल सही वर्क कर रहा है तो ऑडिटर अपनी ऑडिट अप्रोच डिवेलप करेगा अकॉर्डिंगली ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स में नहीं जाएगा कंट्रोल्स को टेस्ट कर लेगा कि कंट्रोल्स ठीक ठीक स्टैब्लिश हुए और अगर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन पर बेस करके ऑडिटर यह मालूम हासिल करता है यह इवैल्यूएशन हासिल करता है कि द कंट्रोल सिस्टम वॉज वेरी वीक तो वो वहां पर फिर अपनी ऑडिट अप्रोच डेवलप करेगा कि यहां पर तो मुझे जनाब डिटेल के साथ एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन अप्रोच ऑफ ऑडिट जो है वो अपनाना होगी सो so, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस नोयत के होंगे ये मोटे मोटे एक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बाकायदा हम ए, इसको प्रैक्टिकली बनाया करते हैं वो बड़े डिटेल्ड होते हैं जिसके अंदर मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिखाऊंगा पहले इसको डिस्कस कर लूँ उसके बाद आपको एक ऑडिटफर्म ने जो डिवेलप किया हुआ क्वेश्चनियर वो एक ओवरव्यू दूंगा जो कि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग देगा एक स्टूडेंट होने के नाते ऑडिटिंग का स्टूडेंट होने के नाते मजीद अंडरस्टैंडिंग देगा कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या होता है और ऑडिटर किस तरह से वहां से इवेल्युएशन करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की बहरअल ये परचेजिंग साइकिल से मुतल देखिएगा इसमें हम देख रहे हैं इनिशिएशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में परचेजिंग के रेफरेंस में अब ये पहला सवाल लाइक आर स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर फॉर्म्स इशूड शोइंग नेम्स ऑफ सप्लायर्स क्वांटिटीज ऑर्डर्ड एंड प्राइसेज यस और नो इतनी सी बात यानी कि स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर फॉर्म उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं और फिर उन परचेज ऑर्डर फॉर्म्स के अंदर सप्लायर्स का नाम वाजे तौर पे लिखा हुआ है क्या जो प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए कहा जा रहा है उस ऑर्डर फॉर्म में उसकी प्राइसेस और उसकी क्वांटिटी उस ऑर्डर फॉर्म में लिखी जाती है यस और नो अब ये ऑडिटर पूछ रहा है परचेज डिपार्टमेंट के परसोनैल से देखिए ना आप अपने आप को ऑडिटर महसूस करें आप जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एंटिटी में वहां पर अलग से एक परचेज डिपार्टमेंट है जिसका काम है परचेज सप्लायर्स को भेजना आप उससे पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप परचेज ऑर्डर बनाते वक्त स्टैंडर्ड फॉर्मेट उस परचेज ऑर्डर का फॉलो करते हैं यस और नो कहता जी यस yes. क्या उसमें सप्लायर का नाम लिखते हैं यस yes. क्या उसमें प्राइस और क्वांटिटी लिखते हैं यस yes. या किसी जगह पर नो no? अगर नो no, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल वीकनेस मौजूद है वहां पर फॉलो कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर के रेफरेंस में आपने इस तरह से बातें करनी नेक्स्ट आर कॉपीज ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर्म्स रिटेन ऑन फाइल्स या सर नो बताओ क्या उसकी कॉपी अब परचेज ऑर्डर फॉर्म आपको याद होगा कि आपने फ्लो चार्ट के अंदर तीन कॉपीज देखी थी परचेज ऑर्डर फॉर्म की अब उसमें एक तो सप्लायर को भेज दी जाती है एक फाइल में लगा दी जाती है एक नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दी जाती है अब परचेज ऑर्डर फॉर्म की कह रहा है कि जो कॉपीज़ हैं क्या उनको फाइल में रिटेन किया जा रहा है या नहीं यस और नो अगर नहीं रिटेन किया जा रहा तो भाई वीकनेस है आपको कल को कैसे पता चलेगा कि ये आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर फॉर्म्स पड़े हुए हैं जिनके अगेंस्ट अभी हमारी सप्लाई आना बाकी हैं आप परचेज ऑर्डर करके भूल चुके हैं उधर से सप्लायर ने भी आपको सप्लाईज नहीं भेजी कुछ दिन महीने गुजरने के बाद प्रोडक्शन मैनेजर कहता है जनाब मैंने तो आपसे एक रॉ मटेरियल मंगवाया था वो अभी तक पहुंच गया या नहीं आप कहते ओ हो वो तो आया ही नहीं अभी तक चलो भाई हो गई शुरू शॉर्ट परचेजेस करो जल्दी जल्दी करो वो किस तरीके से प्रोडक्शन ना रुक जाए हमारी मारा मारी पड़ गई ना तो उसके लिए बेहतर नहीं कि आप परचेज ऑर्डर फॉर्म को फाइल करें और उसका आप रिव्यू करते रहे कि कौन कौन से परचेज ऑर्डर फॉर्म्स जो हैं वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है उनके अगेंस्ट सप्लाईज ठीक है तो ये एक कंट्रोल हुआ ना अगर आप फाइल नहीं करते तो कंट्रोल वीकनेस हुई नेक्स्ट देखिएगा हु ऑथोराइज ऑर्डर एंड वट आर देयर अथॉरिटी लिमिट्स और फिर ये आर द पर्सन इन अबव इंडिपेंडेंट ऑफ दोज हु इश्यू रेक्विशन अब यह बात आ गई सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की जो शख्स ऑथराइज कर रहा है क्या वो इंडिपेंडेंट है उस शख्स से जिसने रेक्विजिट किया था उस मटीरियल को अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है यानी कि जिस शख्स ने रिक्वायर किया था उस मटीरियल को वही शख्स ऑथोराइज कर रहा है परचेज ऑर्डर फॉर्म को तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई मसला क्रिएट हो जाएगा इसलिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना जरूरी है जिसने रिक्वेजिट किया है वही शख्स ऑथराइज नहीं करेगा उस परचेज ऑर्डर फॉर्म को नेक्स्ट देखिए हम इसी तरह से क्वेश्चन में कस्टडी के हवाले से बात करते हैं कि आर गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स इंस्पेक्टेड ऑन अराइवल एज टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी अब यहां पर नो yes मतलब सारे क्वेश्चनर्स में आप यस या नो यस या नो आंसर रिक्वायर कर रहे हैं अब अगर गुड्स मटेरियल सप्लाइज जब आपके दरवाजे पर पहुंचती हैं आप उनको इंस्पेक्ट नहीं करते उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी के हवाले से तो डेफिनेटली वहां पर आपके पर्सोनल और सप्लायर के पर्सनल आपस में मिले होंगे कि जी हम जैसा भी माल भेजेंगे बगैर इंस्पेक्शन के जो है स्टोर करवा देना अब वहां पर भी अगेन दो नंबरी हो सकती है लिहाजा हम यहां पर पूछते हैं ऑडिटर्स यहां पर उनके पर्सनल से पूछते हैं कि भाई क्या इंस्पेक्शन की जाती है अब देखे ना ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन के जरिए से वो कर लें सबका जवाब यस में आ रहा है कोई नो में आंसर नहीं है अब ऑडिटर ने कहा जी वाह भाई वाह बड़ा जबरदस्त कंट्रोल है क्या ऑडिटर बस क्वेश्चनियर को फिल करवाकर अपनी फाइल में रख के तो ओपिनियन दे देगा जनाब ये मैंने क्वेश्चनियर कंप्लीट कर लिया और इनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़ा जबरदस्त है कोई जरूरत ही नहीं है हमें अब मजीद कोई एविडेंस हासिल करने की नहीं अगर बड़ा जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल है इस क्वेश्चनर के जरिए से ऑडिटर की यह असेसमेंट है कि जी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है रन किया जा रहा है तो अब आकर ऑडिटर एक टेस्ट लगाएगा इंटरनल कंट्रोल के लेवल पर कि आया मैं देखूं कि वाकई इंटरनल कंट्रोल मौजूद है या नहीं ये तो क्वेस्नियर है इस क्वेश्चन पर बेस करके अगर हर एक बात यस है अब वो पहुंच जाएगा उस इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में वहां पर देखेगा जी के गुड्स आ रही हैं उनकी इंस्पेक्शन हो रही है वो गुड्स रिसीव नोट बन रहा है उस स्टेज पर या नहीं बन रहा कौन बना रहा है ऑथराइज कौन कर रहा है क्वालिटी कौन चेक कर रहा है क्वान्टिटी कौन चेक कर रहा है अब अगर ऑडिटर देखता है कि सब कुछ हो रहा है तो अब उसका रिलायंस है ओके okay, जी फाइन ये तो सब कुछ हो रहा है इसका मतलब है कि जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में यस थी बात वो वाकई यस है फॉलो किया ये ऑडिटिंग हो रही है पर क्वेश्चनियर को हम आगे मजीद देख लेते हैं हाउ इज द रिसीट ऑफ सप्लाईज रिकॉर्डेड जैसा कि गुड्सिव नोट मैंने आपको अभी डिटेल से बता दिया कि जब भी गुड्स रिसीव होती हैं तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट गुड्स रिसीव नोट बनाया करता है तो यह चीज बहुत जरूरी है कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर नेक्स्ट देख लीजिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के हवाले से आर दीज रिकॉर्ड पर्सन इंडिपेंडेंट ऑफ दो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग फंक्शन प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग यह बात हम पहले भी कर चुके कि सैग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जरूरी है एक शख्स तमाम काम परफॉर्म नहीं कर रहा होगा रेक्विजिशन जिसकी तरफ से आई वो ऑथोराइजेशन नहीं कर सकता इंस्पेक्शन नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता लिहाजा ये चीज आपने पूछ ली कि क्या ये ड्यूटीज सेग्रीगेट की हुई है या नहीं या सुनो नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉर्डिंग के लेवल पर कि आर ऑल इनवाइस रिसीव्ड कंपेयर्ड विद कॉपी ऑर्डर्स एंड कंपेयर विद गुड्स रिसीव नोट्स एंड चेकड फॉर प्राइसिस एंड चैकड फॉर कैलकुलेशन एटसेट्रा अब आपने उसको रिकॉर्ड करना इन वॉइस जब आपको रिसीव हुई आप महज उसको रिसीव करते ही रिकॉर्ड नहीं कर देंगे परचेज डे दे बुक में आपने रिकॉर्ड करना है ना इन वॉइस को आप पहले उसको कंप्लीटली चेक करेंगे उसके टोटल्स चेक करेंगे उसकी मल्टीप्लीकेशन चेक करेंगे जो डिस्काउंट रेट आपका एग्री हुआ था और आपने परचेज ऑर्डर फॉर्म पर उसको कम्युनिकेट किया था जो सेटलमेंट टर्म्स एग्री हुई थी क्या उनके मुताबिक ही आपकी ये इन्वाइस बनाई गई है आपको मालूम होना चाहिए कि सेटलमेंट डिस्काउंट ऑल अभी आपको हासिल नहीं होता लेकिन सेटलमेंट डिस्काउंट की मौजूदगी सेल्स टैक्स की कैलकुलेशन के लिए एक अहम एलिमेंट है लिहाजा उस चीज को भी अब चेक करेंगे कि सेल्स टैक्स इस इनवाइस पर जो कैलकुलेट हुआ हुआ है क्या वो करेक्ट है तो वो चीजें आप अपने क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि क्या तमाम इन्वाइस जो वसूल होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है कॉपी ऑर्डर के साथ कंपेयर किया जाता है गुड शिफ्ट नोट के साथ उनको चेक किया जाता है प्राइसिस के एतबार से उनको चेक किया जाता है कैलकुलेशन के एतबार से या नहीं वो कहता है यस और नो ठीक है नेक्स्ट हमें नजर आ रहा है आर दीज फंक्शन परफॉर्म पर्सन इंडिपेंडेंट ऑफ दोज दोस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डरिंग रिसीट कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ गुड्स वगैरह अगेन यहां पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आ गई और फिर रिकॉर्डिंग के एतबार से ही आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि यह अब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात आपसे करने लगाऊ रादर आपको याद दिलाने लगा हूं कंट्रोल अकाउंट्स में जो आपने पढ़ा था कि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो इन्वाइसिस को आप इंडिविजुअल सप्लायर्स के लैजर में भी रिकॉर्ड करते हैं और कंट्रोल अकाउंट में भी उनको पोस्ट करते हैं यानी कि आपने लाइक like, एक हजार नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं अब एक हजार नंबर ऑफ सप्लायर्स के अकाउंट्स आप मेन लेजर में तो नहीं बनाते ना मेन लेजर में एक आप कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं जिसे आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का नाम दे देते हैं और इंडिविजुअल जो भी सप्लायर्स के अकाउंट होते हैं वो परचेज लेजर अलग से एक सब्सिडरी बुक है उसके अंदर आपने बनाए होते हैं अब क्वेश्चनर आपसे ये कहता है कि यह भी पूछा जाए कि आर बॉट लेजर पर्सनल इंडिपेंडेंट ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग इनवाइसिस एंड क्रेडिट नोट्स चेक पेमेंट्स वगैरह इज द पर्सन मेंटेनिंग द कंट्रोल अकाउंट इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉड लेजर पर्सोन एल जरूरी है कि अब जो बॉट लेजर पर्सोन एल बैठा हुआ है यानी कि परचेज लेजर पर इंडिविजुअल अकाउंट को जो मेंटेन कर रहा है दैट पर्सन मस्ट भी इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्टिंग अकाउंटिंग एंट्रीज इन द मेन लेजर इन द कंट्रोल अकाउंट इज इट सोर नोट ये सोर नोट ये तो बात होगी जी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर की मैंने आपसे अभी जो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर डिस्कस किया इट वाज़ अबाउट परचेजिंग आपने परचेजिंग सिस्टम पर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर देख लिया अभी मैं आपको एक डिटेल के साथ इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर जो एक ऑडिट फर्म का डिजाइन है वो गो थ्रू करवा रहा हूं बिल्कुल बस आपने बर्ड आई व्यू लेना है कर्सरी आपने व्यू उसका लेना है जिसमें के आप देखेंगे इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर्स की भरमार है यानी कि हर हर एरिया पर क्वेश्चन बना हुआ परचेजिंग क्या सेलिंग क्या इन्वेंट्री क्या पे क्या आइए देखते हैं ये उसी तरह से क्लाइंट का नाम पीरियड जॉब इन चार्ज कौन है और कब आपने इस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर को रन किया मैनेजर कौन है उस वक्त उस ऑडिट टीम का ये सारी चीज़ें आपने पहले लिख दी फिर आप कह रहे हैं कि जी अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर है हमारा इसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया जाता है उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको नज़र आ रहे हैं शुरू में फिर पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में फिर उसके बाद आपको मैनेजमेंट कंट्रोल मेथड्स के बारे में क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं फिर इंटरनल ऑडिट फंक्शंस के रेफरेंस में क्वेश्चंस हैं फिर अकाउंटिंग सिस्टम के रेफरेंस में आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं फिर आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में क्वेश्चन नजर आ रहे हैं फिर रेवेन्यू साइकिल के रेफरेंस में जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सेल्स ऑर्डर के बारे में बात हो रही है क्रेडिट पॉलिसीज के बारे में बात हो रही है शिपमेंट के बारे में बात हो रही है इन सब पर क्वेस्स बने हुए आपको नजर आ रहे हैं बिलिंग एंड रिकॉर्ड्स फिर कैश रिसीट्स आपने जब अपने कस्टमर से कैश रिसीव करना तो उसके ऊपर क्वेश्चनर्स आपको नजर आ रहे हैं बने हुए फिर रिकॉर्डिंग एंड कलेक्शन के रेफरेंस में फिर आप देखिए आपको एक्सपेंडिचर साइकिल के अंदर परचेजिंग एंड अकाउंट्स पेबल जो अभी हमने क्वेश्चनर देखे उस किस्म के क्वेश्चन बने हुए नजर आ रहे हैं फिर पेरोल के रेफरेंस में क्वेश्चंस आ गए अब ये एक ही क्वेश्चनियर है जो डिटेल से चलता जा रहा है पेरोल के डिस्बर्समेंट के बारे में फिर सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शंस एंड फिजिकल सेफ के रेफरेंस में फिर कैश डिस्बर्समेंट के रेफरेंस में क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मौजूद हैं, बैंक रिकन्सलेशन के रेफरेंस में इन्वेंट्री के रेफरेंस में आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं और इसी तरह से आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रेफरेंस में कुछ क्वेश्चनियर्स नजर आ रहे हैं सो so, आपने देखा कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनअर सिर्फ किसी एक फंक्शन के रेफरेंस में नहीं है आपने उस एंटिटी में जो भी काम हो रहा है जिस पर भी इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट मौजूद है उसके बारे में आपने इवेल्युएशन हासिल करनी है उसको इवेल्युएट करना है कि यहां पर इंटरनल कंट्रोल किस तरह का मौजूद है वो आपने अपने क्वेश्चन डिजाइन कर लिए और ऑडिट क्लाइंट से पूछना शुरू कर दिया ठीक है अच्छा अब ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर हमें बजाहर बहुत ही एक सिस्टमेटिक अप्रोच नजर आ रही है इवैल्यूएट करने की उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को लेकिन इस पर भी कुछ क्रिटिसिज्म मौजूद है लाइक like, कहा यह जाता है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर रिप्रेजेंट एन अटेम्प्ट एट ए फॉर्मलाइज्ड सिस्टमैटिक अप्रोच टू द ऑडिट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस। और यह कि इस इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर की जो अप्रोच है इसको अपना कर, हम बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं उस इवैल्यूएशन को बड़ी लेंथी हो जाती है बड़ी फॉर्मल सी हो जाती है और फिर यह भी कहा जाता है कि देर इज डेंजर दैट इंटरनल कंट्रोल टू एन एंड्रोच टू एन असाइनमेंट इसको अब अप्रोच की बजाय एक असाइनमेंट समझ के काम किया जाएगा बड़ा फॉर्मुलाइज हो गया सिलसिला जिससे कि हो सकता है हम वो ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर सकें जो कि इंटरनल कंट्रोल एनवायरमेंट को इवेल्युएट करने के ऑब्जेक्टिव्स थे सो इन क्रिटिसिज्म की मौजूदगी में अब हम एक और अप्रोच की तरफ जाते हैं यह अप्रोच भी इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने की अप्रोच है यह है जी इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूएशन चेकलिस्ट अब इंटरनल कंट्रोल इवेल्युएशन चेकलिस्ट ये हम एडॉप्ट इसलिए करते हैं कि देखा जाए कि वो इंटरनल कंट्रोल्स जो हम डिजायर कर रहे हैं वो प्रेजेंट हैं या नहीं अब एक बड़ा उलझन का सा सिलसिला है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर में भी हम यही चीज देख रहे हैं इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट में भी सर कह रहे हैं कि जी ऐसा ही कुछ देखा जाता है देखिए जब हम इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट की बात करते हैं तो यहां पर हम इनफेक्ट एम्फिसाइज कर रहे होते हैं उन चीज़ों पर जहाँ पर के हमें फ्रॉड या एरर मुतवे हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी यहाँ इस एरिया में फ्रॉड हो सकता है हम इस एंगल से देख रहे होते हैं हम ऑल टूगेदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर क्वेश्चनर डेवलप नहीं करते बल्कि इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर जो के हाईलाइट करें वीक एरियाज को अब ये इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट के क्वेश्चंस कुछ इस तरह के डिजाइन होते हैं कि जैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर पाते हैं फौरन एक नया क्वेश्चन जन्म ले लेता है क्योंकि हमारा एम्फेसिस किस बात पर है कि हम देखना चाह रहे हैं कि फ्रॉड या एरर तो मौजूद नहीं है और एक और बात याद रखिएगा कि इंटरनल कंट्रोल इवेलशन चेकलिस्ट सप्लीमेंट कर रही होती है फ्लो चार्ट को यानी कि फ्लो चार्ट की मौजूदगी और उसके फौरन बाद इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट सो अगर हम इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट बना रहे हैं तो आप इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स नहीं बनेंगे बल्कि इससे पहले हमने एक फ्लो चार्ट बनाया होगा और उस फ्लो चार्ट जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था सारा डिजाइन ऑफ द फ्लो चार्ट उसके बाद हम फिर इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट की तरफ आ जाएंगे जरा एक नज़र देख लेते हैं कि इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट किस तरह की होती है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसी तरह से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जैसा कि हमने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन में पढ़े थे फिर बिजनेस कंसिडरेशन और तीसरा हिस्सा चेकलिस्ट का अब लाइक like परचेजेस के रेफरेंस में ही हम देखते हैं चेकलिस्ट क्या होगी हमने परचेजेस के रेफरेंस में इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन को भी देखा था अब उसके अंदर हमने ऑर्डरिंग को डिटेल से क्वेश्चन किया हमने रिसीविंग एंड हैंडलिंग को डिटेल से क्वेश्चन किया रिकॉर्डिंग को डिटेल से क्वेश्चन किया अब आप देखिए कि इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट के अंदर उसी परचेजिंग के रेफरेंस में हम किस तरह के सवाल पुट करने जा रहे हैं लाइक like हम जानना चाह रहे हैं कि क्या गुड्स कैन बी परचेज विदाउट अथॉरिटी अब उसके लिए हमारे सवाल होंगे कि परचेज रेक्विजिशन एंड ऑर्डर्स अप्रूव होते हैं या नहीं लिमिट्स बाय करने की जो अथॉरिटी की हैं वो कितनी है ऑर्डर के रेफरेंस में फिर परचेजिंग सेग्रीगेटेड फ्रॉम रिसीविंग उंट्स पेबल एंड इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स और फिर अन इश्यूड ऑर्डर्स सेफ गार्डेड अगेंस्ट लॉसेज इस किस्म के क्वेश्चन के जरिए से अब हम हासिल कर रहे हैं ये नॉलेज के क्या ऑर्डरिंग के बगैर भी परचेजिंग हो सकती है या नहीं अब इसी तरह से हम जानना चाह रहे हैं कि कैन लाइबिलिटीज भी इनकर्ड ऑल दो गुड्स नॉट रिसीव्ड अब ये बात भी आप देखें हमने फ्लो चार्ट में इस चीज को कवर किया था कि लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रोल अकाउंट में भी रिकॉर्डिंग की जाती है और सब्सिडरी लेजर्स में भी रिकॉर्डिंग की जाती है अब क्या यह मुमकिन है कि हम इन तो रिकॉर्ड कर लें उसकी लाइबिलिटी को तो रिकॉग्नाइज कर लें लेकिन गुड्स ही वसूल ना हुई हो अब यहां पर फ्लो चार्ट ने जो बात हमें बताई कि जी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड की जाती हैं जब गुड्स रिसीव हो जाती हैं वो फ्लो हमने देखा था अब इसको इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट किस तरह से क्वेश्चंस के जरिए कवर कर रही है उसमें पूछा जाता है कि रिसीविंग पर्सोनल और जो अकाउंट्स पेएबल और इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं पर्सोनैल क्या वो अलग है या नहीं अब यहां पर अगर रिसीविंग पर्सन यानी कि जिसने गुड्स रिसीव करनी है और जिसने रिकॉर्ड करनी है वो अगर एक ही शख्स है फिर तो मुमकिन है कि यहां फ्रॉड हो जाएगा मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट में ज्यादा एम्फिसाइज किस बात पर करते हैं कि फ्रॉड के चांसेस तो नहीं है इसमें अब अगर ये सेग्रीगेशन नहीं है ड्यूटीज की कि जो शख्स रिसीव कर रहा है वही शख्स लाइबिलिटी को रिकग्नाइज कर रहा है तो यहां पर डेफिनेटली हो सकता है कि उसने रिसीव ना किया हो और वो रेकग्नाइज कर ले लाइबिलिटी को जस्ट सप्लायर के साथ एक उसकी मामला तय हो गए कॉल्यूट कर लिया बात को और उसने कहा कि ठीक है जनाब आप माल बाद में भेज देना मैं आपकी लाइबिलिटी यहां पर रिकॉर्ड कर देता हूं आपको इन अ वीक पेमेंट भी हो जाएगी और हमारी किताबें बता रही होंगी कि जी आपकी लाइबिलिटी हम पर स्टेबलिश हो चुकी भी है हमारी ओब्लिगेशन है लिहाजा आपको पेमेंट हम कर देंगे आप बेशक पंद्रह दिन के बाद चीजें भेज दीजिएगा अब बताइए यहां पर फ्रॉड हो गया या नहीं लिहाजा इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये पूछते हैं कि क्या गुड्स को रिसीव करने वाला और ट्रेड पेबल्स को रिक्लाइज करने वाला ये दोनों शख्स एक है या मुखलिफ है और फिर इसी बात पर हम एक और चेक लगाते हैं ऐसा तो नहीं कि स्टोर को बाईपास किया जा रहा है और गुड्स जो रिसीव हो रही है डायरेक्टली वो वर्कशॉप में भेजी जा रही है अगर स्टोर डिपार्टमेंट दरम्यान में मौजूद होगा तो प्रॉपरली वो स्टोर में पहले रिसीव होंगी वहां से इशू होंगी वो डॉक्यूमेंट्स दरमियान में आ जाएंगे इस फ्रॉड के चांसेस नहीं रहेंगे कि जी गुड्स तो स्टोर में रिसीव ही नहीं हुई और डायरेक्टली लाइबिलिटी भी इस्टेब्लिश हो गई लिहाजा स्टोर को भी आप दरमियान में लेकर आएंगे अब यहां पर आप एक चेकलिस्ट डिवेलप कर रहे हैं कि ये ये काम होना चाहिए क्या ये हो रहे हैं या नहीं सो so, आप चेकलिस्ट के जरिए से उन एरियाज के ऊपर नजर रखे हुए हैं जिन एरियाज में फ्रॉड के चांसेस मौजूद हैं। इसी तरह की आप पेबल्स की जो पेमेंट हो रही होती है उसके रेफरेंस में देखिए चेकलिस्ट क्या होगी मसलन वहां पर सवाल उभरता है कि कैन पेमेंट्स बी मेड इफ नॉट प्रॉपरली सपोर्टेड यानी कि हमने पेमेंट्स जो करनी है वो लाइबिलिटीज रेकोगनाइज अगर हुई होगी तो करनी है और वो लाइबिलिटीज शुड बी सपोर्टेड बाय द इन्वाइसिस द डॉक्यूमेंट्स अब देखिए उन डॉक्यूमेंट्स पर बेस करके हमने डिटरमिन करना है कि ये पेमेंट आपको डिस्काउंट दिलाएगी या नहीं क्योंकि आपको मालूम है ना कि अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है जिसे सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं तो अगर वो पेमेंट हमें डिस्काउंट दिलाएगी तो हम उसकी एक देखते हैं प्रैक्टिकल सी बात के क्या ये डिस्काउंट लेना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बात आ जाती है क्रेडिटर्स कंट्रोल के रेफरेंस में बहरहाल हम ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि यहां पर हमने जब पेमेंट करनी है तो हम एक चेकलिस्ट डिटर्मिन करते हैं जिसमें के हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पेमेंट्स हैं वो सपोर्टेड बाय द इन्वाइसिस और बाय द डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं अब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर फर्दर हम चंद एक बातें चेकलिस्ट के तौर पर डिवेलप कर लेंगे फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि डिस्काउंट्स लिए गए या नहीं फिर हम देखेंगे कंट्रोल ओवर इन्वाइसिस बिफोर वैलिडेटिंग कंप्लीट है या नहीं फिर चेक्स सिग्नेटरीज इंडिपेंडेंट हैं ऑफ परचेजिंग रिसीविंग अकाउंट्स पेबल एंड चेकस प्रिपरेशन के रेफरेंस में फिर ये भी हम देखेंगे कि सिग्नेटरीज जो हैं वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हैं प्रॉपरली या नहीं और उन डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीटनेस को भी वो चेक करते हैं या नहीं और फिर इस चीज का कंट्रोल भी देखेंगे जहां पर सिर्फ एक सिग्नेचर्स रिक्वायर्ड है इस तरह की बेशमार चेकलिस्ट जो हैं वो हम पेमेंट की स्टेज पर देख रहे होंगे आपके हैंड में पूरी चेकलिस्ट मौजूद होगी आप इसको तसली के साथ पढ़िएगा और ये चीज समझ लीजिएगा कि हमने जब किसी भी कंट्रोल को इवैल्यूएट करना है तो वहां पर हमें बाकायदा तौर पर एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिजम शो करना होगा हमें इस चीज को जहन में रखना होगा कि जी फ्रॉड होने के चांसेस हैं फ्रॉड हो सकते हैं अब उन्हीं फ्रॉड से तो हमने उस ऑडिट क्लाइंट को बचाना होता है उसके लिए हम फिर अपने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स या इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूशन चेकलिस्ट को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि उन लोगों के ऊपर एक डेटरेंट मौजूद हो कि ये ऑडिट करने के लिए जो टीम आई है ये बाहर हाल हमें पकड़ेगी इन स्टेज पर अब जब ये डेटरेंट मौजूद होगा तो डेफिनेटली वो पर्सोनैल इस किस्म की प्रैक्टिस से अपने आप को बाज रखेंगे बहरहाल हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है पहले ही आपको आज के लेक्चर की आगाज में बता चुका कि ऑडिटर का इनफैक्ट मकसद यह होता है कि वो ऑडिट एविडेंस हासिल करे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करे जिस पर बेस करके वो रीजनेबल एश्योरेंस के होते हुए ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करें अब यहां पर जो उसने ऑडिट एविडेंस हासिल करना है वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो हासिल करना है उसके लिए उसकी एक ऑडिट अप्रोच का डेवलप होना जरूरी है अब ऑडिट अप्रोच ये है कि वो इंटरनल कंट्रोल पर रिलाय करे या ना करे अब इंटरनल कंट्रोल पर रिलाय करे या ना करे उसके लिए वो इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स के जरिए से इवेल्यूएट कर रहा होता है उस एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को या इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूएशन चेकलिस्ट के जरिए से वो इवेल्युएट कर रहा होता है उसके इंटरनल कंट्रोल को अब अगर तो उस ऑडिटर को बात समझ में आ जाती है कि इस एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल मौजूद है और ठीक तरीके से मॉनिटर हो रहा है यानी कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ठीक तरीके से उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है तो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अकॉर्डिंगली डिजाइन कर लेता है और वो डिजाइनिंग क्या है कि यहां पर वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाता है यानी कि अब वो डिटेल्स को चेक नहीं करेगा ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं करेगा अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई नहीं करेगा डिस्कलोजर्स को वेरीफाई नहीं करेगा बल्कि वो यहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाएगा कंप्लायंस को चेक करेगा कि क्या वाकई इस इंटरनल कंट्रोल जिस पर कि उसका रिलायंस बन गया उसके मुताबिक इस ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग की जा रही है वहां पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल आएंगे और अगर उसका रिलायंस नहीं बैठता उस इंटरनल कंट्रोल पर तो वो फिर अपनी ऑडिट अप्रोच को एक्सटेंसिव कर लेता है वेरिफिकेशन करता है डिटेल्स की ट्रांजैक्शन लेवल पे जाता है वो अकाउंट बैलेंसेस को चेक करता है यानी कि अपनी ऑडिट अप्रोच में अब वो एक्सटेंसिव हो जाता है वेरिफिकेशन के लेवल पर ये वो पॉइंट है जहां पर कि ऑडिटर ने डिटरमिन करना होता है कि अब वो किस अप्रोच पर चलेगा सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ताला यही त्रोचिस से मुतलक बातचीत की जाएगी जिसमें हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव टेस्ट के बारे में बातचीत करेंगे तब तक लेजाज़ दीजिएगा हाफिज़